जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बाइनरी संख्याओं को डेसिमल संख्याओं में तथा डेसिमल संख्याओं को बाइनरी संख्याओं में बदलना सीखेंगे। तो आइए हम लोग पहले डेसिमल संख्याओं को बाइनरी में बदलना सीखते हैं। देखिए, किसी भी डेसिमल संख्या को, डेसिमल संख्या में पहले कितने अंक होते हैं पहले इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, डेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, ये 10 अंक से मिलकर बनने वाली जो संख्या प्रणाली है उसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम या डेसिमल संख्या प्रणाली कहते हैं, या इसको हिंदी में दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं। और ये बाइनरी संख्या प्रणाली जो होती है इसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। तो हम लोग इन सारी डेसिमल संख्याओं को इस बाइनरी संख्या में कैसे बदल सकते हैं, और इसी बात को हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें अगर 0 है तो इसके लिए तो कोड 0 है, 1 है इसके लिए कोड 1 है, लेकिन 2 अगर आ जाता है, 2, तो हम लोग 2 को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास नंबर 2 है, ये डेसिमल संख्या है, तो इसे हम लोग बाइनरी संख्या में क्या लिखेंगे। देखिए, डेसिमल संख्या के नीचे बेस जो है 10 होता है, और बाइनरी संख्या को के नीचे बेस में 2 होता है। ये समझने के लिए ऐसा बेस बना दिया जाता है ताकि समझ में आ जाए कि ये डेसिमल नंबर है और ये बाइनरी नंबर है। तो देखिए, 2 है तो इसको हम लोग ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक बार भाग जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे जो ये रिमाइंडर बचा है इसको उल्टा लिखते हैं, 1, 0, यानी कि 2 अगर डेसिमल नंबर है तो जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास संख्या 1, 0 होगा। ऐसे इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आइए हम 9 को कन्वर्ट करके देखते हैं। ये है 9, 9 को हम लोग बाइनरी नंबर में बदलना चाहते हैं। देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 × 8, 1 शेष रहेगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और फिर 2 से 2 बार में भाग जाएगा और शेष कुछ नहीं बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और शेष कुछ नहीं बचेगा। जब ये 1 आया था यहाँ रुक जाना है, और यहाँ से इसको उल्टा लिख देना है, यानी कि 9 अगर डेसिमल नंबर है तो ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होकर 1001 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम लोग कुछ बड़े नंबर्स को देखते हैं। आइए देखिए, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा 1 मिनट बस ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 25। अब 25 को हम लोग बाइनरी में बदलेंगे, ये एक डेसिमल नंबर है और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए, 25 को हम लोग फिर 2 से डिवाइड करते चलेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 × 24, 1 शेष रहेगा, 12 टाइम्स, और 2 × 6 = 12, कैरी 0, मतलब जो भी रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। अगर टोटल डिवाइड हो जा रहा है तो यहाँ 0 लिखेंगे, अगर टोटल डिवाइड नहीं हो रहा, जैसे 12 × 24 और ये 25, 1 शेष रह रहा है तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। फिर 2 से 2 × 3 = 6, 0, फिर 2 से 2 × 1 = 2, और 1 शेष रहेगा, यहाँ पे 3 है, 2 × 1 = 2 और 1 = 3। अब इसे हम लोग उल्टा लिख देंगे, 1, 1, यानी कि यहाँ पे क्या है हमारा 25 अगर डेसिमल है तो ये बाइनरी में कन्वर्ट होके 1, 1, 0, 0, 1 हो जाएगा, 1, 1, 0, 0, 1 हो जाएगा बाइनरी में। इस तरह से हम लोग बड़ी बड़ी संख्याओं को भी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए कुछ और संख्याएं लेते हैं, जैसे हमारे पास है 67। 67 अगर एक डेसिमल नंबर है तो इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी, आइए देखते हैं। देखिए, ये जो 67 है इसको यहाँ लिखेंगे और 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ कर देंगे, इसका हाफ होगा नहीं, 1 तो कैरी बचेगा, ये बचेगा 7 है, तो 66 का हो जाएगा 33। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 33 है, इसका हाफ नहीं होगा, 32 का हाफ होगा 16, 1 कैरी बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा। अब इसके बाद 2 से करेंगे, देखिए यहाँ 8,
फिर दो से करेंगे चार, फिर दो से करेंगे दो, और फिर दो से डिवाइड करेंगे तो एक। यहाँ पे जो है कैरी रिमाइंडर जीरो बच रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसी को बस उल्टा लिख दे रहा हूँ, 1000011, ठीक है। जैसे 67 है, अगर ये डेसिमल नंबर है तो बाइनरी में 1000011 ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब शायद आप लोग सीख चुके हैं कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलना है, ठीक है। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम लोग बाइनरी संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 110, ये है बाइनरी नंबर। अब अगर हम लोग इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको बदलने के लिए बिल्कुल आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। जो भी बाइनरी नंबर है उसे यहाँ पे लिख लेना है, जैसे 110 है, 110 ऐसे लिख देंगे, फिर यहाँ 124, ठीक है, ऐसे ये सीरीज लिखते जाएंगे, पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, मतलब डबल डबल करके, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, और 8 का 2 गुना 16, 16 गुना 32, 32 गुना 64, और 64 गुना 128, जितना बड़ा डिजिट होगा, ठीक है। यहाँ 1, 2, 3 डिजिट है तो हम 1, 2 और 4 बस यही ले रहे हैं, ठीक है। करना क्या है, बस इसका मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ देना है, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे 0 होगा, ये 0 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे खत्म, यानी 4 और 2 मिला के कितने हो गए, 6। यानी कि अगर हम लोग 110 बाइनरी संख्या है तो ये डेसिमल में क्या बदल के हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है हमारे पास 110011, ये एक बाइनरी नंबर है और इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आइए इसको बदल के देखते हैं। पहले इस नंबर को ऐसे लिखेंगे 110011, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, 2, 4, 8, 16 और 32, बस ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करते जाना है और जो भी यहाँ पे आएगा सबको ऐड करना है। देखिए ये जीरो वाला जो मल्टीप्लिकेशन है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, 32 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, 16 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का 1 में कीजिए और 1 का 1 में कीजिए, तो ये हो जाएगा 48, 50, 51। इस तरह से देखिए, ये अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो यानी हमारे पास 51 ऐसा आंसर आएगा। इसको हम लोग 110011 अगर ये डेसिमल नंबर है तो इसको अगर हम लोग ये बाइनरी है तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 51 होगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए जैसे 100 अगर ये बाइनरी है तो ये डेसिमल में क्या होगा, क्या आंसर, क्या रिजल्ट देगा, आइए देखते हैं। 100, 1, 2, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये 0 और ये भी 0, यानी कि हमारे पास केवल 4 मिल गया, यानी हमारे पास अगर ये डेसिमल में है तो ये 4 होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग दोनों तरफ कन्वर्जन करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। इसके लिए हम एक नंबर ले ले रहे हैं, क्या ले लें नंबर, चलिए ले ले रहे हैं हम 29, ये 29 डेसिमल नंबर है, इसे हम लोग बाइनरी में बदलेंगे और फिर बाइनरी से इसी को डेसिमल में बदल के चेक करेंगे क्या हमारा कॉन्सेप्ट सही है या गड़बड़ है। देखिए 29 है, इसको हम लोग डेसिमल में बदलने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, एक कैरी बचेगा ही बचेगा, 28 का आधा होगा 14 और यहाँ पे कैरी बचेगा 1। अब यहाँ पे 2 से कैरी नहीं, उसको रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा, फिर 2 से करेंगे तो 7, ये यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा शेष, फिर 2 से 2 3 6, 1 शेष बचेगा, फिर 2 1 2 और 1 शेष बचेगा। अब इसको देखो हम लोग उल्टा लिख देते हैं, 11101, यानी 11101, तो ये हम लोगों ने क्या किया, 29 डेसिमल को इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग इसी को बाइनरी को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करेंगे
ये 29 हमें मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जैसे 1 1 1 0 1 1 2 4 8 16, क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना होता है और यहाँ ऐड करना होता है। तो ये हो गया 16 8 4 और ये 1। देखिए इसको जोड़ देंगे तो 16 और 4 20 20 और 8 28 और 1 29। देखिए ये जो हम लोगों ने नंबर लिया था वही मिल गया। इस तरह से अगर हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो, और बाइनरी को फिर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें सेम वही रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास समाप्त हुई। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।